BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। पटना IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सोमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JP नर्सिंग होम, अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड, सिवान। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप। मेरा नाम फहीम खान है। सिवान का एक ऐसा चेहरा और एक ऐसा नेता जो हमेशा से विवादों में घिरे रहते हैं। खास बातचीत करने के लिए परिचय के मोहताज नहीं है, टूना जी पांडे हैं हमारे साथ। और फिर दो दिनों से कुछ बयानबाजी चल रहा है, उस पर बातचीत करेंगे। क्या कुछ मामला क्या हुआ था कि आसाराम? सबसे पहले तो आपको प्रणाम जी, आपके चैनल को धन्यवाद, आपके दर्शकों को हमारे तरफ से धन्यवाद, और आप समय दिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सिवान की जनता की तरफ। अच्छा टूना जी, क्या मामला क्या हुआ था कि आसाराम और क्या क्या बना दिए थे आप? नहीं देखिए, जो बनाए वो सत्य है, उसको आप काट नहीं सकते हैं। हम जो बोलते हैं सो सत्य बोलते हैं, इसी के लिए हम बदनाम रहते हैं। विवाद कहां से छिड़ा था? विवाद कोई पत्रकार बंधु ही द्वारा उनसे कुछ कहलवा दिया गया था, जिसे हमें लगता है कि उनको भी अफसोस हुआ बाद में, हमें लगता है। तो आप उनसे पूछेंगे तो। अच्छा, कल तक नाराज थे आप जीवन यादव पे, अभी कह रहे हैं कि उनसे गलती हो गई है, ऐसा? नहीं, हमने नहीं कहा कि उनसे गलती हो गई, उनसे किसी बंधु ने बुलवा लिया। अच्छा। और उनको भी बाद में हमको लगता है कि रिलाइज हुआ होगा। हम ये कह रहे हैं, अब गलती हुई नहीं हुई, हम अपने सब से बोल करके किसी की गरिमा नहीं गिराना चाहते हैं, बात स्पष्ट है। सब आदमी यहाँ के रहने वाले हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनसे गलती हुई कि नहीं हुई, वो अपना गलती स्वीकार करें करें, हम कौन होते हैं ये कौन होते हैं कहने वाले कि भाई वो गलती किए या न किए, आप बात उनसे पूछिएगा। हम तो इतना ही कहेंगे कि उनके द्वारा कोई मीडिया बंधु द्वारा कुछ कहवा दिया गया था और वो कुछ कह दिए होंगे, तो हमें लगता है कि उनको भी इस बात का अफसोस होगा, हमें अनुभव लगता है। अब ये बात तो आप उनसे पूछिएगा तो वो बताएंगे विशेष, हम तो उसमें कुछ नहीं बता पाएंगे। तो जब उन्होंने कहा तो हमारी एक धारणा थी कि भाई हम पर कोई जब उंगली उठाता है, छेड़ता है, तो हम भी तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, दो बार MLC रहे हुए हैं, हम जब अरुआ खेत में धान राउड ने ही काटो तो हमारे बिया रुआ काय को खा रहा था, नहीं झूठे के भाई, तो थोड़ा तकलीफ तो हो जाता है। इस तरह का बयान तो आपका भी सामने आता है कि हम कीचड़ है, अगर कोई ढेला मारेगा तो पड़ेंगे? नहीं देखिए, ये हमने कभी नहीं कहा कि हम कीचड़ है कोई ढेला मारेगा। हमने कहा कि हम वो व्यक्ति हैं कि जो LIC से भी ज्यादा रिटर्न आपको देते हैं, हमें कोई एक गाली देगा हम उसे 1000 गाली तुरंत देंगे, इतना रिटर्न LIC भी नहीं देगा। और आम हमें कोई एक बार बाबा कहेगा तो हम उसे 1000 बार बाबू कहेंगे, तो इतना सुंदर रिटर्न LIC नहीं देगा। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप हमसे गाली वाला LIC कराना चाहते हैं आ कि बाबा बाबू वाला LIC कराना चाहते हैं।